अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कौन और कहां से कॉल कर रही है? जी मैं गुल बोल रही हूँ, मैं रॉचडेल से। मैंने एक पहले भी आपको फोन कर दिया। जी गुल बहन रॉचडेल से। जी हाँ अकिन सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे ना माशाल्लाह चार बच्चे, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, तो मेरे ना मुझे ना बताते रहे कि मुझे डायबिटीज जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो हो जाती है वो है, तो अभी वो यही कह रहे हैं कि बॉटम लाइन पे है मेरी डायबिटीज, बॉटम लाइन पे। मैं कोशिश तो बड़ा करती हूँ, वेट भी माशाल्लाह मेरी 47 एज हो है, एज है, और क्या कहते हैं मेरा 60 तक वेट ना 65 तक हो गया, तो मैं कोशिश करती हूँ खाना पीना नहीं है, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन के बाद ना मेरा पेट भी बहुत बढ़ गया, जैसे मैं थकावट मुझे बहुत ज्यादा होती है, और आपने मुझे बताया था कि मेथी दाना रात को भिगो के और सुबह जो ना आप वो भी चबा लें और पानी भी पी लें निहार मुंह। तो उससे क्या फाका महसूस कर रही हैं आप? फाका मैंने अभी शुरू किया क्योंकि मुझे तकरीबन चार हफ्ते हो चुके हैं। अच्छा मंथली साइकिल ठीक है उसके बाद? नहीं उसके बाद अभी तक नहीं मुझे हुए। अच्छा यानी लास्ट प्रेगनेंसी और उसमें कितना टाइम गुजरा है? मुझे ना लास्ट में मेरी 15 में हुई थी, 2015 में मेरी प्रेगनेंसी हुई ऑपरेशन के दौरान। पहला बेबी मेरा नॉर्मल था, 3 बेबी सिजेरियन है। तो उसके बाद जो है फिर ये मंथली साइकिल जो है वो बराबर नहीं हो सका या आया नहीं? जी हाँ 2017 में 17 में मुझे गड़बड़ शुरू हुई है इसकी। ठीक है आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। थैंक यू। बहन हमारी गुल बहन है कि बता रही थी कि मैं कारी साहब प्रोग्राम देखती हूँ आपकी पाबंदी से, अल्लाह जज़ाए खैर दें। रॉचडेल से कॉल कर रही थी और 47 इनकी उम्र है, 60 किलो इनका वज़न है, चार बच्चे हैं और शुगर भी इनको बता रहे हैं कि अभी बिल्कुल जो है करीब ही है कि डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल स्टेज पर पहुँच चुकी हैं और पेट भी बढ़ रहा है और मंथली साइकिल की ख़राबी भी है। अब इसके लिए देखें, एक तो ये है कि मंथली साइकिल की जब ख़राबी हो जाती है तो उसके साथ साथ मज़ीद जो है ये बीमारियाँ, ख़ासतौर पर शुगर का लेवल और इसी तरीके से आपका बच्चों की पैदाइश के पास पेट का बढ़ना, जिस्म का बढ़ना, यहाँ तक के वज़न का बढ़ना, ये फिर आगे और ज़्यादा बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं, सर के बाल का गिरना। तो अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिनके भी ख़वातीन के भी हारमोन्स की चेंजिंग होती है और ख़ासतौर पर जिनको मंथली साइकिल सही तौर पर नहीं आता, उसके लिए रात को मेथी दाने को इसको ग्राइंड कर लें और यानी पानी के साथ इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी के साथ रात को पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें, मंथली साइकिल आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाएगा और हारमोन्स जो है इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये आपके शुगर के लिए भी इंतहाई मुफीद है, इसके साथ साथ आपके पेट के लिए जो है मैं आपको बताता हूँ, अगर पेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए मेरा मोटापे का जो मैंने एक माशा हमने हमारा एक हमारे एक एक और हमारी यूट्यूब पर प्रोग्राम भी है, उस पर मैंने मोटापे के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था, पेट बढ़ा हुआ उसके लिए प्रोग्राम दिया है, वो उसको आप देख सकती हैं।